दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर रेलवे के आप किसी भी पोस्ट पे ज्वाइन करने वाले हैं या दोस्तों जॉब पाना चाहते हैं किसी भी पोस्ट पे, तो आपको ओबीसी से रिलेटेड कौन कौन से समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर आपके पास प्रॉपर फॉर्मेट का, प्रॉपर टाइम का ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, तो कौन कौन सा समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। आप किसी भी पोस्ट में ज्वाइन करने वाले हो, रेलवे का ग्रुप डी में हो गए, स्टेशन मास्टर में हो गए, गुड्स गार्ड में हो गए, आपका आपका फिर हो गया क्लर्क में हो गया, मतलब किसी भी पोस्ट में अगर आप ज्वाइन करने वाले हैं तो आपको कौन कौन सा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, पूरा इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ओबीसी से रिलेटेड। और दोस्तों, ओबीसी किस प्रकार से आपको बनवाना है, कहां से बनवाना है, कैसे बनवाना है, किस फॉर्मेट में होना चाहिए, पूरा इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। वीडियो उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो अभी अभी रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि अगर जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो उनको भी इस प्रकार का समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है आने वाले दिनों में। इसलिए क्या करना है कि आपको ओबीसी सर्टिफिकेट हर साल का बनवा के रखना है। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त इंजीनियर गुड्डू श्रवण आपके अपने YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला समस्या आती है दोस्तों, जो कि हमारे साथ भी आई थी जब मैंने रेलवे ग्रुप डी ज्वाइन कर रहा था। तो अभी रेलवे जेई ज्वाइन करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन जब मैं ग्रुप डी ज्वाइन कर रहा था 2021 में, उस समय हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुआ था। अभी तो दोस्तों मैं रेलवे ग्रुप डी ज्वाइन किया, इसके बाद जूनियर इंजीनियर बन गया रेलवे में, लेकिन दोस्तों जब मैं ग्रुप डी ज्वाइन कर रहा था तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुआ था, जो कि ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये दोस्तों हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हर लोग अलग अलग बोर्ड से बिलोंग करते हैं, तो अलग अलग बोर्ड का अलग अलग तरीका होता है, थोड़ा थोड़ा अलग अलग रूल होता है उन लोगों का। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए उन लोगों को। लेकिन दोस्तों क्या प्रॉब्लम हुआ था हमारा, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि दोस्तों देखिए, आपके पास जब आप फॉर्म भर रहे थे, मान लीजिए जितना भी एनटीपीसी का भी ज्वाइनिंग हो रहा है, वो 2019 में उनका फॉर्म भराया था, ठीक है। तो दोस्तों 2019 में फॉर्म भराया था, तो और ग्रुप डी का भी 2019 में ही फॉर्म भराया था, 2019 वाला ग्रुप डी का, ठीक है। तो उस समय क्या था दोस्तों कि आपने ओबीसी, आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, आपके पापा जी ओबीसी हैं, आपके दादाजी ओबीसी थे, ठीक है, होंगे, मतलब सभी ओबीसी होंगे तो आप भी ओबीसी होंगे, ठीक है। लेकिन आपने ओबीसी डाल दिया, लेकिन आपके पास क्या उस समय ओबीसी सर्टिफिकेट था, आपने किस आधार पर डाला कि मैं ओबीसी हूँ? सिर्फ ऐसे तो नहीं कि मेरे पापा जी ओबीसी थे तो हम भी ओबीसी हो गए। हाँ ठीक है, आप हैं ओबीसी, लेकिन आपके पास तो कोई सर्टिफिकेट नहीं था कि आप वहाँ पर डाल दिए। जैसे कि मान लीजिए आपने ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हैं, तो आपके पास क्या है कि 10th का सर्टिफिकेट होगा, 12th का सर्टिफिकेट होगा, आप पढ़े रहिएगा, पास किए रहिएगा, तभी तो डालिएगा ना वहाँ पे कि हाँ हमारे पास 10th का सर्टिफिकेट है, मैं पढ़ा हूँ, 12th का सर्टिफिकेट है, मैं पढ़ा हूँ, मैं इतना क्वालिफिकेशन डालूंगा फॉर्म में। उसी प्रकार से दोस्तों, आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट उस समय होना था फॉर्म भरने से पहले, तब आपको ओबीसी चूज करना था, रेलवे के अनुसार ये होता है, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं लोग कि नहीं मैं ओबीसी हूँ, ओबीसी डाल देता हूँ, सर्टिफिकेट है या नहीं है। तो मेरे पास भी दोस्तों यही समस्या हुआ था कि उस समय काफ़ी बच्चों के साथ, जो सिकंदराबाद बोर्ड से हमारे ज्वाइन कर रहे थे, काफ़ी बच्चों के साथ ये समस्या हुआ था कि उस समय बहुत लोगों के पास ओबीसी नहीं था, जब 2018 में हम लोगों ने फॉर्म भर रहा था, ठीक है। तो दोस्तों क्या हुआ हम लोगों को, तो जब डीवी में आए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आए, तो हम लोगों से मांग रहा है कि जब फॉर्म भर रहे थे आप लोग 2018 में, उससे पहले का ओबीसी चाहिए, कितना पुराना भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओबीसी सर्टिफिकेट हमें चाहिए, तभी आपका हम डीवी करेंगे, ऐसा बोला गया। तो दोस्तों हम लोग तो सभी टेंशन में पड़ गए कि अब क्या होगा। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि हम लोगों ने जाके अपना ये समस्या बताया अपने जो अंचल होता है, ठीक है, जहाँ अंचल होता है, जहाँ मतलब डीसी, जहाँ अंचल होता है आपका सीओ बैठते हैं, ठीक है, सर्कल ऑफिसर होता है हमारे झारखंड में, और बहुत जगह पे तहसील होता है। तो वहाँ पर जाके सब लोगों ने बताया कि हमारे साथ ये समस्या हो रहा है, क्या किया जाए। तो वहाँ से दोस्तों हम लोगों को लेटर बना के मिला था कि 2018 के पहले भी हम लोग ओबीसी थे और अभी भी ओबीसी हैं। नया वाला तो बन गया था, नया वाला हम लोग लेके गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2020 लास्ट में था, 2021 में ज्वाइनिंग हुआ था, ठीक है, 2018 वाला ग्रुप डी का। तो दोस्तों क्या है कि हम लोगों ने नया तो बनवा लिया था, लेकिन पुराना वाला में समस्या हो रहा था कि पुराना मांग रहा था कि फॉर्म भरने से पहले का 2018 का चाहिए हमें, तो वो वाला नहीं था, तो वो चीज़ लिखवा के ले आए थे, तब जाके हम लोगों का डीवी अच्छा से हुआ था। डीवी तो हो गया था, लेकिन बाद में हम लोगों ने जमा किया था, ठीक है।
तो ये समस्या हो सकता है, पहला समस्या आपका हो सकता है। इसलिए क्या करना है कि आपको आपको क्या है कि हर साल का ओबीसी आपको बनवा के रखना है, क्योंकि ओबीसी का वैलिडिटी दोस्तों रेलवे केवल एक साल देती है, ठीक है, एक साल के बाद उसको अनवैलिड मानती है। चाहे कहीं भी कोई कोई स्टेट का जो ओबीसी है, हमारे स्टेट का खुद झारखंड का एक साल वैलिड है ओबीसी, तो आपको क्या करना है कि हर साल का ओबीसी सर्टिफिकेट अभी बनवा कर रखना है, कि नहीं तो आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि दोस्तों कभी कभी जो नोटिफिकेशन होता है उसमें क्लियर ये मेंशन कर दी जाती है कि आप जब ओबीसी चूज कर रहे हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी ओबीसी आप चूज कीजिए, नहीं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत हो जाएगी। तो पहला समस्या ये आपके साथ हो सकता है। दूसरा समस्या ये होता है दोस्तों कि रेलवे फॉर्मेट का, जब आप रेलवे में ज्वाइन करने आते हैं तो रेलवे क्या करती है, क्या कहती है कि आप हमारे फॉर्मेट में ओबीसी बनवा के लाए, यानी कि उनका फॉर्मेट क्या होता है, ऑफलाइन होता है, ठीक है, हार्ड कॉपी लिखकर वाला होता है। आप किसी भी मतलब रेलवे का कोई भी नोटिफिकेशन जारी होता है तो उसका नीचे आप जाइएगा, पेज स्क्रॉल करते करते नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ होता है तो उसमें अपना एक वो क्या देती है, एक फॉर्मेट देती है, उस फॉर्मेट में ओबीसी बनवा के लाना होता है, ठीक है। आप तो ऑनलाइन बनवाए ठीक है, लेकिन क्या करेगी कोई कोई बोर्ड, कोई कोई बोर्ड जो ऑनलाइन आप बनवाए वही ले लेगी, लेकिन कोई कोई बोर्ड क्या करती है कि ऑनलाइन नहीं कहेगी, हमें फॉर्मेट चाहिए अपना जो फॉर्मेट हमने दिया था नोटिफिकेशन में। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि सबसे पहले ओबीसी बनवा के, ठीक है, ओबीसी कैसे आपको बनवाना है ऑनलाइन वो मैं बताऊंगा आगे वीडियो में, बने रहिए आप। आपको ऑनलाइन वाला ओबीसी बनवा के, ऑनलाइन वाला ओबीसी का जो नंबर होता है उस नंबर को आपको मतलब फिल करना है, जो ऑफलाइन फॉर्मेट है उसमें रेलवे का, ठीक है, रेलवे का उसका सारा डिटेल आपका रेलवे का जो फॉर्मेट है उसमें फिल करना है। और दोस्तों वहां आपको सीओ से वेरीफाई करवा के और फिर एसडीओ से उसके ऊपर साइन करवा लेना है, आपका रेलवे फॉर्मेट में बन जाएगा ओबीसी। वो लोग भी नहीं बनाते हैं जल्दी ऑफलाइन, बोलते हैं कि हम तो ऑनलाइन बना के दे दिए अब ऑफलाइन क्यों दें, ऐसे बोलते हैं, लेकिन आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, भाग दौड़ करना पड़ेगा, तब जाके आपका बनेगा। बहुत दिक्कतें होती है कभी कभी, ठीक है, कहीं कहीं तो बहुत जल्दी हो जाता है लेकिन बहुत दिक्कत होती है ये सब मामले में। तो इसको आपको सबसे पहले ध्यान रखना है और टाइम रहते हुए बनवा लेना है। ऐसा नहीं है कि आप डीबी में आइएगा तो आपको निकाल दिया जाएगा, लेकिन टाइम दिया जाएगा, लेकिन बहुत दिक्कत होता है, इसलिए आप वो दिक्कत पहले ही कर ले तो आपको ज्वाइनिंग समय, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय ये सब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, अगर आप पहले से अवेयर रहते हैं तो। इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि ये तो हो गया, अब ये समस्या आती है कि हम ओबीसी, अब ओबीसी वैलिडिटी कितने दिन का होता है, तो एक साल का होता है दोस्तों। रेलवे क्या करती है कि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा रहे हैं तो या तो ओल्ड वाला तो मांगिए ही जो आपको पहले बताएं, फिर नया वाला जो होना चाहिए आपका, या तो आप ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं तो नया वाला जो आप बनवाइएगा वो एक साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी आपका ज्वाइनिंग है, ठीक है, तो अभी से पीछे एक साल तक चलेगा, एक साल से ज्यादा पुराना नहीं चलेगा। ये नोटिफिकेशन में आजकल रेलवे मेंशन कर दे रही है कि एक साल वैलिडिटी होगा। फिर ये हो गया दोस्तों, फिर अब ये चर्चा करते हैं कि ओबीसी सर्टिफिकेट आपको बनवाना कैसे है। दोस्तों क्या है कि ओबीसी सर्टिफिकेट, देखिए एक होता है नन क्रीमी लेयर, एक होता है क्रीमी लेयर। तो दोस्तों क्रीमी लेयर उसको बोलते हैं जिसका इनकम, जिसका फैमिली का इनकम एक साल में 8 लाख से ऊपर चला जाता है उसको क्रीमी लेयर बोला जाता है, और जिसका इनकम 8 लाख से नीचे रहता है एक साल का उसको नन क्रीमी लेयर बोला जाता है। दोस्तों क्या करना है कि ज्यादातर लोगों तो नन क्रीमी लेयर से ही बिलोंग करते होंगे, तो आपको ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है। अब दोस्तों ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको रेसिडेंशियल बनवाना होगा, स्थानीय प्रमाण पत्र, फिर दोस्तों आपको जाति बनवाना होगा जो कि स्टेट से बनता है, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, फिर आपको दोस्तों इनकम बनवाना होगा, इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जब आप तीनों बनवा लेते हैं तो फिर आपका एक बनेगा एनसीएल सर्टिफिकेट, नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। ये तीनों बनने के बाद उसको अप्लाई करना होगा, तब आपको बनेगा नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। जब ये चारों बन जाएगा दोस्तों, ठीक है, जब ये चारों बन जाएगा, एनसीएल सर्टिफिकेट भी एक साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, हमारे झारखंड में ऐसा होता है। जब ये चारों बन जाएगा दोस्तों, चारों बनने के बाद आपको ओबीसी अप्लाई करना होता है। जब आप ओबीसी अप्लाई करते हैं तब आपका ऑनलाइन वाला ओबीसी बन के निकल जाता है, फिर वही ऑनलाइन वाला के आधार पर आप रेलवे का जो फॉर्मेट है ऑफलाइन उसको आप बनवा सकते हैं। तो ओबीसी बनवाने का इस प्रकार से, इसमें दोस्तों क्या है कि थोड़ा सा टाइम भी आपको लग सकता है, इसलिए टाइम रहते हुए ये सब चीज़ें आपको कर लेनी है। फिर दोस्तों आपका जब ओबीसी बन जाता है, मान लीजिए फॉर्मेट में भी बन गया, आप क्या कीजिए कि ओल्ड वाला भी ओबीसी आपके पास है जब आप फॉर्म भर रहे थे उस समय, ठीक है, और अभी भी आप बनवा लिए ओबीसी डीडी के समय, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, मेडिकल के समय, सारा चीज़ आपके पास तैयार है, ऑनलाइन वाला भी ऑफलाइन वाला भी, मतलब करेंट डेट वाला, ठीक है। तो दोस्तों आप अगर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं तो आपको 1% भी कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है।
लेकिन कोई कोई क्या करते हैं कि चलो हमारे पास तो टाइम है, आने दो डेट तब हम बनवा लेंगे। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, आपको पहले से बनवा के रखना है, ठीक है, क्योंकि इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लग जाती है। लोग आप जाइएगा, ब्लॉक में जाइएगा, अपने अंचल में जाइएगा, अपने तहसील में जाइएगा, ठीक है, डीसी ऑफिस में जाइएगा, तो आपको कोई भी जल्दी सुनने वाला नहीं है। इसलिए आपको पहले से ध्यान रखना है और इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और ये सब चीज़ को क्लियर करके रखना है, बनवा के रखना है। नहीं तो जब आप ज्वाइनिंग समय, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय दिमाग आपका चकरा जाएगा, बहुत दिक्कतें होती है, ये सब दिक्कतों का सामना हमने बहुत किया है। ये जो समस्या होती है दोस्तों कम्युनिटी सर्टिफिकेट वाला, केवल ओबीसी के ही साथ होती है, जनरल वालों को तो कुछ देना नहीं है। और एससी एसटी का पता नहीं क्या रूल है उन लोगों का हो जाता है, ठीक है, उन लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, है नहीं है, कितना भी पुराना है सब चल जाता है, उन लोग का ये सब में छूट है, हर चीज़ में छूट है एससी और एसटी वालों का, उन लोग के लिए बहुत सही है। लेकिन दोस्तों ओबीसी वालों के साथ बहुत दिक्कत होता है, इसलिए ओबीसी वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपका नौकरी आ जाएगा, नौकरी अगर जो आपका ज्वाइनिंग लेटर आ गया है तो नौकरी मिल जाएगी, डीवी नाम आ गया है तो डीवी आपका हो जाएगा, मेडिकल भी हो जाएगा। लेकिन क्या है कि अगर जो आपके पास नहीं रहेगा ये चीज़ तो आपको बहुत झेलना पड़ेगा, समस्या होगा आपको, इसलिए आपको इस बात को पहले से क्या है कि आपको ध्यान रखना है और सब चीज़ बनवा के रखना है। तो दोस्तों ठीक है, इस वीडियो में इतना है, मुझे आशा है दोस्तों आप लोगों का वीडियो हमारा जो है ये बहुत अच्छा लगा होगा। आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि जब आप ज्वाइनिंग करने आते हैं तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है, ठीक है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको किस प्रकार से बनवाना है, ठीक है, एक ज्वाइनिंग लेटर में भी आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट और आपको एक पर्सनल भी बनवाना होता है, ठीक है, एसपी ऑफिस से, तो वो किस प्रकार से बनवाना है दोस्तों उसका प्रोसेस हम एक वीडियो में बताएंगे आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी ग्रुप डी वाले भी ज्वाइन करेंगे तो बहुत सारे का ये कमेंट रहता है कमेंट बॉक्स में, अभी एनटीपीसी वाले भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर